दोनों आज बच्चियों ने मुझे उठाने की आलू गोश्त अच्छा सा सब्जी बना ले, तो मैंने कहा मैं अपने मसाले में और ले गई, बहुत ही मजेदार है। मुझे हाथ का सही थे जी, मैं आपको खा के बताती हूँ। मुँह का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज से हमारी घर की रूटीन शुरू हो गई है। दो तीन दिन का ट्रिप करके हम घर आ चुके हैं, बहुत थकावट भी हो गई थी, लेकिन जो घर आके सुकून मिला है, घर का नाश्ता खाना वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं मिलता, तो घर में ही सुकून आता है, घर का खाना अच्छा लगता है। तो अभी सब उठ गए हैं, लेट उठे हैं, मैं बना रही थी बच्चों का नाश्ता। जहन के लिए अंडा भी बना रहे हैं, हम बड़े शौक से खाते हैं अंडा, चाय भी बन रही है, तो अभी सब करेंगे नाश्ता। सबने तराई पूरे कर नाश्ते बेचारे दिया थे पाकिस्तान से, हिला देना जरा से दिखा जाता है चम्मच से हिला। नाश्ते में मीठी लस्सी भी साथ बना रही थी, होटल की लस्सी पी थी दो तीन जगह, लेकिन मज़ा नहीं आया, घर के लस्सी का तो अपना ही मज़ा है। मीठी लस्सी बना रही थी नाश्ते में। मोहम्मद अजलान, अजलान की नींद पूरी हो गई है, अजलान भी घर आके खुश हो गया है, उठा उठा के मामा की गोद में सो सो के, बच्चा एक्टिव नहीं था, अब घर आके बड़ा फ्रेश हो गया माशाल्लाह। अभी नाश्ता करने लगे, मेरे साथ बैठा हुआ है। चलो नाश्ता करें अजलान, मोहम्मद अजलान। तो अंडा भी बन गया, वो कड़ी थी सामने वालों के साहब के घर से आई थी, वो ये हो रहा है हमारा नाश्ता, दही भी है, लस्सी भी है मीठी। चलो नाश्ता करके मिलते हैं। One hour later. आ गए पार्सल, अभी नाश्ता कर रही थे तो पार्सल आ गया। देखिए कितने प्यारे कलर हैं, सारी लिपस्टिक अच्छी है ना, ब्राउन। दरास से पार्सल मंगवाया है, छोटी बहू ने 12 लिपस्टिक किए हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत कलर हैं 12 लिपस्टिकों का, ये बैग बना हुआ है, वाह ज़बरदस्त। देखें कितना प्यारा कलर है, लेकिन मैं ऐसा कलर नहीं, ये बहू रानियों पे अच्छा लगता है बेटियों को, मैं ये कलर देती हूँ, ये तो वैसे पिंक कलर है, ऐसा मैं रूम सा शेड में इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत प्यारा कलर है, ये फेवरेट कलर है। ये रेड कलर मेरा फोन लहंगे के साथ इस तरह का कलर था, बहुत प्यारा, मिडोरा की कलर लिपस्टिक थी, बहुत प्यारा कलर है ये, फ्री है ये भी कलर बहुत प्यारा है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, इतना प्यारा कलर है। अरे पार्सल आया बहुत अच्छी, हर लिपस्टिक बहुत अच्छी निकली है, ये फ्री, हाँ ये फ्री में मिला। दलिया खा रही है, मेरा जनरल दलिया खा रही है, और कोई काम नहीं है, नहीं दिया दे दो, जहन दिया दे दे, क्यों सारा दिन लगा रहता है, दे दे ये लो अच्छा, बड़े खुश हो गए बच्चे, घर आके बड़ा मजा आ गया बच्चे, बड़े खुशा तो कितने लग गई है नहीं ना, खाते नहीं है, मुझे बहुत पसंद है ये, देखे टीले, तो मैंने कहा मैं अपने लिए लहदा से सालन बना लेती हूँ, टीले का भी सालन बन गया है, मैंने कहा चले आज सब्जी वाला सालन है।
चिकन का सालन तो होटलों में खाते रहे, लेकिन वो कोई मिर्च मसाले तेज होते थे या फिर सालन का जायका अच्छा नहीं होता था। आपको पता है जब रश के दिन हो तो होटलों वाले सालन भी बस मंगवा ही लाते हैं, अच्छा बुलाते नहीं। तो फिर बच्चे कहना मामा चलो तुम आलू गोश्त बनाओ, मैं फिर बच्चे वाली आलू गोश्त बनाया है, अपने लिए मैं सब्जी बनाई है। मैं क्या तुझे टीले खाते नहीं, फिर मैं तो खावा, मैं तेरे पीछे मैं भी टीले छड़ दवा। मैं फिर अपने लिए टीले बनाए हैं और सालन मेरा पक गया है। बहुत थकावट हो गई आज सारा दिन, सब ने मिलकर सफाई की है क्योंकि दो दिन घर से गए थे, दो तीन दिन तो घर में काफ़ी वो मट्टी वगैरह हो गई थी। जितना मर्जी घर बंद हो ना तो मट्टी वगैरह हो जाती है, थकावट हो गई है। फिर मैंने किचन का काम किया, किचन में सालन वगैरह बनाया, तो अभी मैं बनाने लगी थी रोटियां बच्चों की। तो बच्चियां जो आज हमें कह रही कि मामा आज ना हम आपके साथ ना कुछ मुझे बता नहीं रही सही, तो मेरे साथ क्या करना उन्होंने, तो देखोगी क्या करती हैं मेरे साथ। मुझे ना आपस में वो प्लान बना रही थी कोई बैठे, तो मैं उनकी तरफ देख रही थी तो चुप हो गई, कह रही नहीं नहीं मामा को कुछ नहीं बताना। तो देखूंगी ना अगर जो मेरे साथ करेंगी ना वो सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ, बच्चों को भूख लग गई है, सुबह नाश्ते की है, उसके बाद चाय वगैरह तो पी थी, लेकिन अभी मैं रोटी बनाने लगी। रोटी बना के फिर मिलती हूँ आपसे। मैं सालन ऑनलाइन ले आई, बहुत ही मज़ेदार था के हाथ का सालन। होटल में खाना खा खा के ना तो ज़रा उसका टेस्ट अच्छा भी नहीं था बिल्कुल भी, तो हमने स्पेशल मम्मा से कहा कि आलू गोश्त बनाए, तो मैं और लेने आई हूँ दोबारा लेते जी। मैं आपको खा के बताती हूँ मुँह का रिएक्शन। बच्चियों के कहने पे मैंने बनाया आलू गोश्त, तो कह रही है मामा आपने सालन बहुत मज़े का बनाया। मैंने कहा अच्छा चले शुक्रिया आपका तारीफ़ करने का। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रही मामा उधर होटल में खाना खाते थे ना तो इतना मज़ा नहीं आता था जितना आपने सालन मज़ेदार बनाया। तो मैंने कहा अच्छा चले, टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो दोबारा से डालने आ गई है सालन और दोबारा से खा रही है। पहले हस्बैंड के साथ बैठ के खाना खा के आई है, ये देखिए इसके काम कैसे डबो डबो के रोटी खा रही है। बहुत कह रही है मम्मा आज पेट भर के हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया खाना खाने का। चले जाओ और रोटी लेनी है तो और ले लेना। मैं और लूंगी एक और रोटी। अच्छा चले ले लेना ठीक है। A few moments later. सदब और अभिया क्या हुआ है? ए इन दोनों की लड़ाई हुई है आपस में बैठी हुई सीढ़ियों में। ए भैया सदब सदब ए ये देखे ये मुझे डराने काम पूरा करने आई। देखो मुझे ये कह रही है आप लोगर हो, ये देखे इनकी हरकतें देखो मुझे डराने आ गई। ये मेरे साथ प्लान कर रहे हैं कि मामा को हम डराने जाए दीजिए। ये ऊपर से जिन भूत बन के आ गई, ये देखे ये देख सकता बीआरपी है बीआरपी डर गई है, वो देख रही है कि ये क्या बन के आ गई। चल जाओ दबा दो वो दौड़ के, ये चल जा तू भी जा। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला